आइए दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझते हैं, देखिए क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसको जानते हैं। सबसे पहले हम गौर करेंगे शब्द पे पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एनर्जी तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, एनर्जी का मतलब होता है ताकत, मगर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अगर हम इसका हिंदी मतलब देखें तो इसको हम क्षमता, भाई किसी भी बंदे में किसी भी चीज में कितनी क्षमता है, उस क्षमता से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब आप मुझे कह सकते हैं कि सर क्या आप इस बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हैं? भाई इसकी जो क्षमता है वो इसके यहाँ पर इसके बॉडी में दिख रही है, ये देखिए कितने बड़े बड़े मसल्स हैं इसके। सो क्या ये इसकी क्षमता है? इसका मतलब इसमें एनर्जी भी है, भाई सही बात है, बॉडी बिल्डर है तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी। दोस्तों इस क्षमता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और शेप से रिलेटेड क्या एनर्जी आपको मिलती है। गौर करिएगा, मैंने पोटेंशियल एनर्जी को किस में बांटा हुआ है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन एंड शेप में, ठीक है ना। इसको मैं आपको एग्जांपल से पहले समझाता हूं, इस बॉडी बिल्डर पर बाद में आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे यहां पर एग्जांपल देखिए, ये एक हाउस है, इस हाउस के ऊपर देखिए बॉल रखी हुई है। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये एक घर है, इस घर के यहाँ पर देखिए ग्राउंड में ना यहाँ पर ये पार्क है, यहाँ पर ये बॉल रखी हुई है, ठीक है जी साहब, बिल्कुल सही बात है। सो क्या इस बॉल के अंदर कुछ एनर्जी है? मुझे ये बताइए, क्या इस बॉल के अंदर कोई भी एनर्जी है? कोई भी एनर्जी आप मुझे बता दीजिए। ये सिर्फ यहाँ पर रेस्ट पोजिशन पर रखी है, अभी तक ये मूव नहीं करी है, इसके अंदर अभी कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है इसमें। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे बॉडी रखी हुई है, ना कोई इसको हिला रहा है, ना कोई डुला रहा है, इधर उधर कहीं जा नहीं रही है, बिल्कुल सिंपल पड़ी हुई है, ना किसी को छेड़ाखानी कर रही है। बट अगर मैं इस बॉल को यहां से उठा के ना यहां रख दूं इसके छत पे, और फिर यहां से मैं ना इसके छत से इस बॉडी को, अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां पर देखिए, क्या आप इस जब बॉडी को ऊपर से फेंकेंगे, यहां से अगर आपने इस बॉडी को फेंका तो यहां नीचे कहीं ना कहीं पार्क में जाकर वो गिरेगी। अगर पार्क में कोई बच्चा यहां पर खेल रहा है या कोई भी आदमी यहां पर है तो उस पर लग सकती है बॉल, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? जब ये बॉल ऊपर थी तो इसमें कुछ एबिलिटी आ गई, इस बॉल के अंदर कोई एक एबिलिटी आ गई कि भाई ये बॉल ऊपर जाके छत पे जाके, छत की हाइट मान लेते हैं एच है, थोड़ी ज्यादा पावरफुल हो गई, भाई इसके अंदर पावरफुल हो गई, ऐसे बोल देंगे, है ना, कि भाई छत से बॉल अगर गिर गई तो किसी ना किसी का मतलब चोट वोट लग सकती है, नीचे किसी का सर्वर फूट सकता है, सो आगे से हट जाओ भाई, ऐसे करके। बट ये जब बॉडी नीचे पार्क में पड़ी थी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इस बॉडी ने हाइट एच को गेन किया, जैसे इस बॉडी ने हाइट एच को गेन किया तो क्या हुआ? तो ये बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी के अंदर एक टाइप की क्या आ गई? एनर्जी आ गई। वो एनर्जी क्या होती है? उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। तो वो किसी भी बॉडी में कब आती है? जब आप किसी भी बॉडी को कोई एक हाइट एच तक रेज कर दो तो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना, ये हम सब चीज देख सकते हैं। सो जब बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आती है तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जैसे हम पावरफुल बोल रहे हैं। तो ये बात हो गई जब मैं पोजीशन की बात कर रहा था, जब मैं बॉडी की पोजीशन की बात कर रहा था। सो अब ये बॉल यहां से अगर नीचे गिर गई तो नीचे आके या तो इस मतलब पार्क, ये जो ग्राउंड है उसमें थोड़ा सा गड्ढा कर देगी, अगर कोई बंदा चल रहा है उसके सर पे लग सकती है। सो इसका मतलब इसके अंदर एक पोटेंशियल आ गया, इसके अंदर अपने आप में इस बॉडी पे पोटेंशियल आ गया, जस्ट सिर्फ हाइट एच पे रखने के बाद ही, ठीक है। सिमिलरली मान लेते हैं स्प्रिंग ले लेता हूं मैं, इस स्प्रिंग को आप ना ऐसे करके यहां से अपनी फिंगर से आप इसको ऐसे दबाइए, ठीक है ना, ऐसे जब आप अपनी फिंगर से इसको दबाएंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग ना ऐसे ऐसे मूव करेगा। भाई क्यों कर रहा है ये मूव ऐसे? आपने सिर्फ फिंगर से दबाया और छोड़ दिया तो मूव करता रहा। इसका मतलब जब आप किसी भी इस तरह की बॉडी की शेप को चेंज करना चाहते हैं, सो बॉडी मोशन में आती है, मूवमेंट में आती है, कुछ हलचल होती है बॉडी में, यही हलचल ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो आपने यहां से अपनी फिंगर से इसको ट्रिगर किया और इस बॉडी में जो इसकी शेप चेंज होके टू फ्रो मोशन होके यहां पर जो बॉडी में एनर्जी इसने गेन करी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। सो जैसे मैंने बताया था, पोजीशन
बॉल का एग्जाम्पल लिया था, शेप स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया है, इन दोनों की वजह सो यहां पर क्या है, इसकी हम शेप और पोजिशन की वजह से इसके अंदर किसी भी बॉडी के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हैं। अच्छा अब इस बॉडी बिल्डर पे आते हैं, इसके देखिए ये जो बाजुओं में दम है ना, यहाँ पे बाजुओं में दम है। सो इस बॉडी बिल्डर के अगर मैं केस पे आऊं तो यहां पर क्या है, इस बंदे ने बॉडी तो बना ली अपनी, ठीक है, मगर ये इस बॉडी से क्या क्या कर सकता है भाई, ये इस बॉडी से किसी को पीट सकता है, ठीक है भाई, ये बॉडी से काफी तेज भाग सकता है भाई, क्योंकि फिट है ये बंदा, ठीक है ना, इसकी बॉडी भी बनी हुई है। इससे आप कोई भी मस्कुलर काम कराओगे, कोई भी मैनुअल वर्क करा लो, ठीक है ना, कहीं पर कोई सामान ले जाना है तो इस बॉडी बिल्डर को दे दो, ये काफी इजीली उस सामान को छोड़ाएगा। ये सारे के सारे हैवी काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर जो मैं क्षमता शब्द को यूज कर रहा हूं वो इस बॉडी पर नहीं, वो इस बॉडी बिल्डर पर नहीं जा रहा है। मैं क्षमता पोटेंशियल जो शब्द है वो यूज कर रहा हूं किसी भी बॉडी के, जब वो पोजीशन चेंज करेगा और शेप चेंज करेगा। तो यहां पर इस बॉडी बिल्डर के केस में ना तो ये पोजीशन चेंज कर रहा है ना शेप चेंज कर रहा है, तो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल में इस बॉडी बिल्डर को यहां पर नहीं डाल सकते। तो क्षमता शब्द का मतलब समझ आ गया, मैं किसकी क्षमता की बात कर रहा हूं, किसी भी बॉडी की क्षमता की बात कर रहा हूं जब उसकी पोजीशन चेंज होती है और जब उसकी शेप चेंज होती है, ठीक है ना। पोजीशन चेंज होके क्या होता है, वो हाइट एच तक जाती है, अगर आप उसको हाइट एच तक रखेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज आएगी, और अब उसको शेप चेंज करेंगे तो उसकी पोटेंशियल, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के मेन कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इसी को हम आगे अगर एक कॉन्सेप्ट से देखें, सो यहां पर हम अगर बो एंड एरो का एग्जाम्पल लेते हैं, बो एंड एरो अगर हम इसका एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या है, तीर चढ़ गया जी कमान के ऊपर, ठीक है साहब। जब तक ये तीर इस पर नहीं चढ़ा था, जब तक ये तीर खाली था तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही तीर इस पर चला, ठीक है, सो तीर के अंदर क्या आ गया, जैसे ही तीर इस पर चला तो देखिए यहां पर ये जो रबर है ना, ये जो रबर लगी हुई है, इसकी शेप चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई। सो मैंने क्या कहा था, जैसी शेप चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो रबर की जब शेप चेंज हुई तो उसने इस शेप चेंज से एक पोटेंशियल एनर्जी बनाई, वो पोटेंशियल एनर्जी इसे किसको दे दी, इसने ये पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर करी किसके अंदर, एरो के अंदर, क्योंकि देखिए एरो सटा हुआ है बिल्कुल तीर के साथ, बो के साथ। सो इसने पोटेंशियल एनर्जी एरो को दे दी और अब क्या हुआ, एरो के अंदर भी सेम पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो अब क्या होता है, जो भी तीर कमान वाला जो बंदा है, जो भी इसको छोड़ेगा, वो क्या करेगा, वो इस रबर बैंड को खींचता है, ठीक है ना, रबर बैंड को खींचता है और थोड़ा सा हाथ अपना एरो के अंदर लगा के रखता है। तो जब वो एरो के अंदर हाथ को लगा के रखेगा, रबर बैंड को खींचेगा, तो ये क्या होगा, ये तीर इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, पुश होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या किया, इस पोटेंशियल एनर्जी ने इस तीर को छोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, यहां पर मोशन हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मोशन, मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो यहां पर इस टिपिकल एग्जांपल से देखिए कि आपकी शेप चेंज हुई सबसे पहली चीज, उसके बाद दूसरी चीज, यहां पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई किसको, जैसी शेप चेंज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी एरो को गेन हुई, और उसके बाद एरो देखिए छूट गया, तो यहां पर तीसरे नंबर पर काइनेटिक एनर्जी गेन हुई। सो इस तरह से हम टोटल एनर्जी के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, बट सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल एनर्जी की ही लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुई, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी तो हो ही रहा है, बट मेन मेरा जो मकसद था समझाने का वो यही था कि पोटेंशियल एनर्जी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गेन कैसे हुई। सो यहां पर हम बोल सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये भी एक प्रैक्टिकल लाइफ से काफी अच्छा एग्जाम्पल है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को ड्राइव कर लेते हैं। तो कैसे होगा फॉर्मूला, बस समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों एक बॉल यहां पर रखी हुई है, बॉल बोल दीजिए या बॉडी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। यहां पर ये बॉल रखी हुई है, इसका एक मास है साहब एम, ठीक है, तो ये एक हाइट एच पर रखी हुई है, इसका एक मास है साहब एम, ठीक है ना। सो ये एक हाइट एच पर भी रखी हुई है, ठीक है ना, इसने एक हाइट गेन करी है, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस बॉडी की क्या हुआ, यहां पर पोजीशन एक चेंज हो गई, ये हाइट एच पर इसकी हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इस पोजीशन की वजह से इस बॉडी को क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है साहब, ठीक है।
ठीक है। ये जो एनर्जी है, अब मैंने क्या बोला था, ये एनर्जी किस काम आएगी भाई, एनर्जी अगर गेन हो गई तो ये जरूर, जैसे हम बोल रहे थे एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये कहीं ना कहीं तो निकलेगी, ठीक है। तो वो कहाँ निकलेगी एनर्जी भाई, सभी एनर्जी वर्क डन में ही निकलती है, सीधी सी बात है। अगर मैं इस बॉडी को कुछ वर्क डन कराऊं तो मैं बोल सकता हूं भाई पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे मैंने पीछे एरो वाले केस में कहा था पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, किस कौन सा वर्क डन हुआ था, मोशन हुआ था, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई थी, यहां पर भी वर्क डन होगा, ठीक है ना। अब यहां पर गौर करिए कि वर्क डन कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। इसका सबसे पहले मैं आपको इसी कंसेप्ट को एक और तरीके से समझाना चाहता हूं, कुछ इस तरह से समझाना चाहता हूं। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये बॉल जो मैंने वहां पर बॉल बनाई थी ना, उसी को मैं थोड़ा सा अर्थ के पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना। ये अर्थ के ऊपर बॉल हो गई, आपने ऊपर बॉल रख दी अर्थ के, मतलब इसके ऊपर ये हाइट एच तक रखी है बॉल, थोड़ा दिखाने के लिए मैंने ऊपर की तरफ रखा है, मास एम है भाई, मास एम है बॉल का, ठीक है ना। इसने क्या गेन करी, पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन करी, ठीक है, गेन करी। अच्छा, अगर कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर होती है, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर अगर हवा में होती है तो उस पर क्या क्या एनर्जी लग रही होती है, रेस्ट में नहीं है वो, अभी ऊपर है, हाइट पे है, ठीक है। यहां पर इस पर देखें तो ग्रेविटेशन फोर्स जी लग रही होती है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है, और ये जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से, ये क्या है, इस बॉडी का मास इनटू इस बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये किस डायरेक्शन में है भाई साहब, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि भाई साहब अगर हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे सो मास इनटू ग्रेविटी फोर्स लगेगी और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है जी साहब, बिल्कुल, क्योंकि हाइट एच पर बॉडी रखी हुई है, तो अगर आप कोई भी बॉल के अलावा कोई भी चीज लेंगे उसका मास इनटू ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट है तो मास पर डिपेंड कर गया। अब यहां पर कंसेप्ट पे आते हैं, ये हो गई साहब मेरी फोर्स, ठीक है, एक बात हो गई। अब आते हैं वापस उसी कंसेप्ट पे, यहां पर मैं वर्क डन की बात कर रहा था। वर्क डन को अगर मैं डब्ल्यू से लिखूं तो वर्क डन यहां क्या होगा भाई, बॉडी देखिए ऊपर छत पे रखी हुई है, वही मतलब कहने का मतलब वही है कि आप मतलब आपको थोड़ा और अगर मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहूं, इस डायग्राम को ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए अर्थ के ऊपर घर रखा हुआ है, घर के ऊपर बॉल रखी हुई है, ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी, ठीक है। जब बॉडी ऊपर हाइट एच पर रखी हुई है तो इसका यहां से बनाए थे इसमें ये जी नीचे लग रहा है, ठीक है ना। सो वर्क डन क्या हो गया, हमने वर्क डन पढ़ा था कि भाई फोर्स इंटू जो उसका डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस क्या है, एच है। वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगी, एफ इंटू डिस्टेंस एच। अब ये वर्क डन जो है वो फोर्स क्या होती है, पहले समझिए, ये फोर्स वही वाली है जो मैंने आपको यहां समझाई थी, ये है फोर्स की वैल्यू, मास इंटू ग्रेविटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है ना। तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये हो गई आपकी फोर्स की, ये हो गई आपकी वर्क डन की डेफिनेशन। आगे बात समझ में, कि उस बॉल का मास ग्रेविटी लग रही थी, ये तो फोर्स का कंपोनेंट हो गया एफ, और ये हो गया आपका डिस्टेंस का कंपोनेंट एच। सो कोई भी बॉडी अगर किसी भी हाइट एच पर रखी होगी तो उसमें इतना वर्क डन वो बॉडी कर सकती है। तो मैंने क्या कहा था, ये जो वर्क डन है ये कहां से निकला था साहब, ये बना कहां से था, ये तो पोटेंशियल एनर्जी से बना है, क्योंकि अगर ये बॉडी जमीन पर रखी तो थोड़ी ना मिलती आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट यही कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच, ये होती है साहब, ये होती है, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, किसी भी बॉडी का मास है उसको हाई टच पे रख दीजिए, इतनी पोटेंशियल एनर्जी वो बॉडी गेन करेगी, सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में आपको, इसी को मैं एक और छोटे से एग्जांपल से आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वो भी। देखिए ये मान लेते हैं एक सूटकेस रखा हुआ है और ये सूटकेस यहां पर साहब इस तरह से ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस तरह से ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से ये सूटकेस ग्राउंड पे रखा हुआ। अब यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ से अपना हाथ, आप यहाँ से हाथ लगाइए इस तरह से, इस सूटकेस को यहाँ से आप उठा लीजिए अपने हाथ से। जैसे आप इसको अपने हाथ से उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इस सूटकेस को ना यहाँ तक लिफ्ट कर लीजिए साहब, यहाँ तक आपने लिफ्ट कर लिया, क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, देखिए
ये हाइट एच थी, आपने इसको हाइट एच तक यहां पर उठाया था, तो इसका मतलब क्या कि आपने वही कंसेप्ट किया पोटेंशियल एनर्जी का। जैसी हाइट मतलब पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई बॉडी की, तो क्या गेन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई। सो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी, अभी देखिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये जी नीचे लगेगा, ठीक है, इसका एक मास होगा, ठीक है, इसकी हाइट एच यहां पर डिफाइन थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस बॉडी में, आप इसको पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू एच ये हो जाएगी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कब गेन हुई है, जब आपने लिफ्ट किया भाई, जब आपने लिफ्ट किया तभी तो गेन हुई है, और आपने जैसे उसको उठाया हाइट एच तक पोटेंशियल एनर्जी मिल गई आपको। सो आप अगर इस कंसेप्ट को समझेंगे, इस कंसेप्ट को देखेंगे, तो क्या था ये जो फोर्स लग रही थी ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ये सेम फोर्स थी, ठीक है ना, मतलब ये एफ जी सेम फोर्स थी जो एफ लिफ्ट थी, मतलब जो आपको लिफ्ट करने के लिए फोर्स लगी है ना ऊपर की डायरेक्शन में, जो आपके हाथ पे लगी ये वाली फोर्स, ये वाली, ठीक है ना, यहां पे ये इक्वल होगी किसके, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगी। समझ आ गई बात को आपको, कि आप जब चीज को लिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये कहां से आया कंसेप्ट भाई, थर्ड लॉ से आया है कंसेप्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा उसका। सो आपने जैसी बॉडी लिफ्ट करी, आप जैसी बॉडी लिफ्ट करी हाइट एच तक, तो आपको यहां पर नीचे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये वाली फोर्स नीचे डायरेक्शन में लेने लगी ग्रेविटी की वजह से। सो इसीलिए यहां एम जी आ जाता है, ठीक है ना। सो इसीलिए क्यों आ जाता है, क्योंकि यहां पर एफ लिफ्ट जो है ना, जो आपने एक्शन किया था, वो बराबर है एफ जी के। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इसकी ले सकते हैं। यही चीज मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में भी बताई है कि किस तरह से यहां पर वर्क डन हुआ। वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, एम जी एच यहां निकल के आता है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम देखें तो एनर्जी वही है, अपने जूल्स में कैलकुलेट होगी, तो यहां पर हम इस तरह से इसकी, अच्छा एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या, अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी को हमेशा जूल में ही कैलकुलेट किया जाएगा, जूल में ही उसकी मेजरमेंट ली जाएगी। सो इस तरह से हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग यही करनी है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले देखिए साहब, पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की या शेप चेंज हो रही है, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो रही है, पहली ये दूसरी ये, सो आप कह दीजिए कि बॉडी में क्षमता है। हाँ, इस बंदे की बॉडी में क्षमता है नहीं है वो एक अलग बात है, वो हमने अभी कंसेप्ट बताया कि क्षमता शब्द का मतलब इन दोनों चीजों से रिलेटेड है, इसकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। एग्जांपल देने के लिए मैंने ये चीज बनाई थी जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि आमतौर पर ये शब्द वहीं यूज करे जाते हैं भाई, इसमें बड़ी क्षमता है इस बंदे में, ऐसे करके, ठीक है ना। सो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र कर सकते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इसको इजिली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की भी एक छोटी सी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक में दी है, इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।